भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहनों की कांच फोड़ने वाली गैंग का किया खुलासा। भोपाल एमपी नगर जोन वन में कारों के कांच फोड़ने वाली गैंग को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। 14 जनवरी की रात कुछ बदमाशों द्वारा होटल के बाहर खड़ी लगभग एक दर्जन गाड़ियों के कांच छोटी तलवारों से फोड़े गए एवं क्षेत्र में काफी उत्पाद मचाया गया। क्लब में एंट्री को लेकर के हुआ था विवाद। दबंगों द्वारा क्लब में फ्री एंट्री मांगी जा रही थी। क्लब संचालकों के मना करने के बाद दबंगों द्वारा क्लब के बाहर खड़ी कारों में धारदार हथियार से तोड़फोड़ की गई। भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा लगभग 200 से 250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही मूकबीर तंत्र के माध्यम से भी आरोपियों की पहचान की। शेष आरोपी अभी भी बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 14 तारीख को एमपी नगर क्षेत्र में हुई तोड़फोड़ के आरोपी, क्या मामला है, कौन है? जी हाँ, विगत 14 तारीख को डीबी मॉल एमपी नगर में लेमन ट्री हमने 4 से 8 लोगों द्वारा तोड़फोड़ करके वाहनों में और तलवारबाजी का भी प्रदर्शन किया गया था। उस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा और डीसीपी अपराध महोदय द्वारा क्राइम ब्रांच को लगाया गया था, क्योंकि इस तरह की वारदातों से सनसनी फैलती है शहर में और इसको गंभीरता से रोके जाने की जरूरत होती है। हमारी क्राइम ब्रांच की उसमें 3 टीमें लगी थी, जिनके द्वारा कम से कम 280 के लगभग सीसीटीवी कैमरेज जो हैं उनकी 3-4 दिन तक लगातार कड़ी मेहनत मशक्कत करके उनकी छानबीन की गई और उसके आधार पर तथा गुप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 आरोपी जो इस घटना में लिप्त थे उनको गिरफ्तार करने में तथा उनके द्वारा इस घटना को घटित करने में जो तलवारों का उपयोग किया है वो तलवारें और उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त किए गए वाहनों को जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। किस बात को लेकर इन आरोपियों से हमने पूछताछ की है, जिन्होंने ये बताया कि उसी दिन